डैनी डैनियल्स, जिनका जन्म 23 सितंबर 1989 को साउथन कैलिफोर्निया में हुआ था, उन्होंने बहुत कम उम्र में ही ग्लैमर की दुनिया में कदम रख दिया था। इसके बाद उन्होंने अपना हाथ एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आजमाया। डैनी ने जनवरी 2011 में एडल्ट मूवीज में काम करना शुरू किया था। आपको बता दें कि तब वो महज 21 साल की थी। अपने प्रदर्शन के लिए 20 से अधिक पुरस्कार जीतने के अलावा डैनियल जुलाई 2011 के लिए ट्विस्टिस ट्रीट ऑफ द मंथ और पेंट हाउस के जनवरी 2012 के अंक में पेट ऑफ द मंथ का खिताब भी अपने नाम कर चुकी हैं। पोर्न हब के अनुसार डैनियल लगातार एडल्ट फिल्म स्टार्स के लिए शीर्ष में से एक रही है और CNBC की डर्टी डोजन सूची में 2 बार थी। जितनी इंटरेस्टिंग इनकी प्रोफेशनल लाइफ रही है, उससे कई ज्यादा इंटरेस्टिंग इनकी लव लाइफ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इनके कई अफेयर्स रह चुके हैं। आपको बता दें कि पोर्न इंडस्ट्री में इनकी शुरुआत एक लेस्बियन पोर्न एक्ट्रेस के रूप में हुई थी और इनका पहला रिलेशनशिप गिल्डा रॉबर्ट्स के साथ था, जो काफी लंबे समय तक चला। आपको बता दें कि गिल्डा रॉबर्ट्स एक हंगेरियन पोर्न स्टार है और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1984 को हंगरी में ही हुआ था। इसके बाद इनका रिलेशनशिप 2015 से मई 2016 तक स्टेवन सेंट क्रॉक्स के साथ चला। इसके बाद दोनों सेपरेट हो गए और अपनी राहें अलग कर ली। आपको बता दें कि स्टेवन भी एक अमेरिकी पॉर्न स्टार है। इनका जन्म 24 जनवरी 1968 को हुआ था। इन दोनों के बीच करीब 21 साल का फर्क था। इसके बाद इनके अफेयर के चर्चे इवाना शुगर के साथ चले, जो कि एक यूक्रेनियन पॉर्न स्टार है। इनका जन्म 26 फरवरी 1992 को हुआ था। यह एक फीमेल पॉर्न स्टार है जो कि लगातार लेस्बियन पॉर्न में दिखाई देती हैं, लेकिन इन दोनों का साथ भी ज्यादा नहीं चल पाया और जल्द ही इनका ब्रेकअप हो गया। इसके कुछ समय बाद ये एक और अमेरिकी पॉर्न स्टार जैंडर कॉर्वस को डेट करने लगी। आपको बता दें कि इनका जन्म 18 नवंबर 1988 को हुआ था, लेकिन बाकी रिलेशनशिप की तरह ये रिलेशनशिप भी ज्यादा लंबा नहीं चल पाया और दोनों अलग हो गए। लेकिन आपको बता दें कि साल 2017 में उन्हें एक ऐसा इंसान मिला जिसके साथ उन्होंने अपना घर बसाने का निश्चय किया। जी हाँ दोस्तों, डैनी डैनियल्स ने साल 2017 में 23 अक्टूबर को विक्टर सिपोला के साथ शादी कर ली। कुछ समय तक डेट करने के बाद दोनों ने शादी करने का डिसाइड किया। आपको बता दें कि विक्टर सिपोला पेशे से एक प्रोड्यूसर हैं और डैनियल्स ने हाल ही में अपने करंट अमेजन प्राइम टीवी शो डिनर विद डैनी के साथ मेन स्ट्रीम में एंट्री ली है। और आपको बता दें कि इस शो के प्रोड्यूसर डैनियल्स के पति विक्टर सिपोला ही हैं। जी हाँ, ये शो इनके पति विक्टर सिपोला ने प्रोड्यूस किया है। ये एक राउंड टेबल डिस्कशन टाइप का प्रोग्राम है जिसमें डैनियल अपने गेस्ट के साथ में मिलकर पॉर्न, सेक्स, रिलेशनशिप और बाकी फन स्टफ पर डिस्कस करते हैं। इसके अलावा डैनियल ने अपनी वेबसाइट shopddbox.com पर स्ट्रीट वियर और प्रोडक्ट्स की अपनी लाइन भी शुरू की है। आपको बता दें कि अगस्त 2019 में डैनी ने अपने पति विक्टर सिपोला के साथ द टू ऑनियंस नाम का एक पॉडकास्ट शुरू किया, जो कि वर्तमान में जारी है और आप इसे YouTube पर भी आसानी से देख पाएंगे। डैनियल अभिनेत्री होने के साथ साथ एक ब्लॉगर और पेंटर भी है। डैनी को कीरा ली के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।